गुड मॉर्निंग नमस्कार मु केपी करूछु वेलकम ब्रेकफास्ट ओडिसा को फ्रेश फ्रेश मॉर्निंग रे गुड डीपी कहूछु आपन को वेरी गुड मॉर्निंग आज आप सहित एंती जने मैडम अछंती जो मैडम सारा ओडिसा रे परिचित लाभ करछन जने लेखिका भाबरे किंतु सारा विश्व तंको जानी छै जने फिल्म मेकर भाबरे से बनैथिबा सिनेमा को सारा विश्व पसंद करछंती प्राय 35 रु ऊर्ध सिनेमा करछंती एवं जो सिनेमा को अमेरिका ठारु नै इंडियन पर्यंत समस्त भूरी भूरी प्रशंसा करछंती जितेबले से तंको जेजमा को देखिथिले जेजमा 90 इयर्स परे किभली भाबे तंको जीवन शैली को देखुथिले से थ्रू नै तंको सिनेमा प्रथमे उंकी मारिथिला जेजमा एवं ताहा मध्ये विश्व रे बहुत आदृत हेछे थरे गोटे खबर कागज को इंटरव्यू देलाबले से कहिथिले जदी से गप लेखि नथले ताले से गप गुमुटी करथाते व्हाट इज गप गुमुटी से विषय त तंको ठु जानिबा एड़ताल रे जन्म होई गछरु गछ भुलिबा गुंडीची मुसा धरिबा आ तापरे पिला मानन को सह साइकिल चलई बुलेबा बापा को पैंट शर्ट पिंदी बुलेबा ए सबु थिला तंकर शौक हाँ। और ए शौक तंको सारा विश्व रे परिचिति मध्ये दिछ कोंदी जणे भारी भरकम लोक जेते बेले सामना रे थांती कहबा को टिके डर लागे आ भारी माने आपण साइज रे जानतुनिया तंकर गांभीर्यपूर्ण लेखा तंकर गांभीर्यपूर्ण कथा आ तंको चिंताधारा टिके डिफरेंट समस्ते जो जिनस उपरे टाइट अप करंती से भावंती सेई जिनस उपरे आमे काहे की नोटिस न करबा काहे की ना बेले बेले यू नो भल काम करिकि भी ना हुए आ बाकी आरेटा त अपन जान छथि ताले काहे की आमे डिफरेंट न करबा काहे की से भीड़ भितरे चलीबा टिके अलग ट्रैक रे न जीवा एग्जैक्टली से एकाधारा जने फिल्म मेकर फिल्म पढौथुबा जने मनीष एवं जने साहित्यिका मध्ये आसंतु स्वागत करबा सारा विश्व चिन्हितिबा साहित्यिका फिल्म मेकर फिल्म टीचर आज आम सहित अच्छा ब्रेकफास्ट ओडिशा काउच रे निश्चित भाव आज बहुत गर्वित अनुभव करुछु आज बोधवे आगुरु के दे थाई पारंती बट आम ये टैग गुड दबा स्टाइलिश लेखिका किसी लेखिका थांती जहाँ पर्सनालिटी आमको बहुत मानने मन को छुई जाए आमको भारी इंस्पायर कर जाए भावे एमती जन लेडी आज आपको निश्चय इंस्पायर करेंगे आसन स्वागत करवा बियत प्रज्ञा त्रिपाठी महोदय को मैडम नमस्कार गुड मॉर्निंग केमती अच्छा मैडम आई एम फाइन गुड मैडम 1962 रो साहित्य और आज रो साहित्य बहुत फरक आसे छी हां आपन को साहित्य फिल्म मेकिंग किछ डिफरेंट करिया पे सब बोले चेष्टा कर छथी एवं जो जेजेमा रो कहानी कथा कहली जेजेमा को देखि के आपन को जदी जेजेमा को देखि न थन ताले कोन आपन फिल्म मेकर हेई न थादे से सब कहि पारिबेनी किंतु मु जहां भी हेई छी जे कोनोसी जिंस जहां हुए सेटा ता बैकग्राउंड रो हुए जेमते गोटे फोटो रो फोटोटार बहुत इम्पोर्टेंट हूँ फोटोर बैकग्राउंड सेमती गोटे मनीषर सब बड़ इम्पोर्टेंट जिनस तार बैकग्राउंड सो आई एम वेरी वेरी प्राउड मोर बैकग्राउंड मो जेजेमा मो बैकग्राउंड जेजेमा कथा भारी इंस्पायर कर मैंने आज कल तो पे आई जेजेमा तो जानू ही ना आज आया जानूंगी आज आज जेजे सब जानू ही ना तो को जिंस आपण चाहिबे कि आजकल के लमने जानो तू मो आई आउ जेजेमा दुई जण मते इंस्पायर करचें मो आई से सी वाज मोर अहेड ऑफ टाइम तार माने मो आई होची गोटे तार निज समय रु 50 वर्ष आगरु चिंता करथे मनुष आ मो जेजेमा गोटे भारी सोफिस्टिकेटेड बहुत माने एलिगेंट ठहरा हुआ सी वाज ए टीचर से 1930-32 मसीह रे पाठ पढ़ी से टीचर्स ट्रेनिंग नहीं थे बॉम्बे रे से देखि से टीचर थिले तो मो तेणु से सी वाज वेरी एलिगेंट ए पर्सन बहुत ही मो आईटा बहुत स्मार्ट वेरी अहेड ऑफ अ टाइम तेणु दुई जन जाकर मो पर बहुत प्रभाव मो से मन के संगे बहुत समय कटेची मो लाइफ रे तो अपन भी सेति पई आजकल रे जनरेशन तो बहुत आगे चिंता करि परले सेति पई कडा पान सहित तो क्लियोपाट्रा को अपन कॉम्बिनेशन कर देले अच्छा यूनिक इंडो वेस्टर्न नाम में फैशन कथा को जे अपन इंडो वेस्टर्न कथा कहले कहानी कहले हां थैंक यू एक्चुअली कड़ापान क्लियोपाट्राटा गोटे पर्टिकुलर जो गप अच्छी से गोटे आई डोंट नो तुम पढ़ी कि ना पढ़व से जो गोटे आम मेटाफर बोली जोटा कहते ना गोटे इमेजरी व्यवहार हुए पानटा गोटे पानटा गोटे बहुत पानटा गोटे बहुत बढ़िया इमेजरी आम गोटे लोक बहुत भल पाऊ गोटे पान नेलु खा तापरे आउ सेते बळ समय दिन आई जे आपन को सेते बळ सोफिस्टिकेटेड सिंबल भी थिला गोटे पानो पानो एबे भी अछि आमे जा को बहुत माने आमो कल्चर रे स्पेशली नोडिया कल्चर पानो प्लेज ए वेरी बिग रोल आमे जा बहुत भल पाउ ताको पानो खा आ गोटे लोक घर को आछि आमे भाबु से चल जाऊ हो गोटे पानो ने जा पानो ने जा माने
now you must leave. So pano has different kind of connotation. So, Cleopatra ta ta gote womanhood ra symbol. Cleopatra is a queen, smart, intelligent, romantic, ambitious, Egypt ra queen. So Cleopatra is a character, is a symbol. जेटा जोटा गोटे वुमेनहुड को रिप्रेजेंट करे किंतु कि क्लियोपाट्रा को सहित बहुत नेगेटिव पॉइंट्स भी अछि तांको नेगेटिव म कहिबेनि यू सी शी इज एन एम्बिशियस क्वीन शी वाज ब्यूटीफुल शी हैड वीट शी हैड अ वेरी डिस्टिंक्ट लव लाइफ बट दैट इज हाउ ह्यूमन बीइंग्स आर ओडिसा रे अपन साहित्यिक भाबर जानि छथि किंतु तथापि अपनकर बही संख्या कम विभिन्न पत्र पत्रिका रे विभिन्न समय रे बाहर छै बोधे अपन पंचम श्रेणी रे पढुथले बोधे प्रथम कविता अपनकर छपितले ना मो कॉलेज रे पढुथली जतेले फर्स्ट मोर 16 वर्ष 15 वर्ष रे मोर प्रथम कविता छपितले जस्ट टीन एज रे हां सेते बेले मो कॉलेज रे पढलिनी सेते बेले मो टिके जल्दी पाठ पढिछि त कॉलेज रे पढुथली सच्ची राउतरेंकर गुटे दिगंत बोली गुटे मैगजीन बाहरथिला से कविता से छपितले हम कॉलेज मु सरबेला पढ़ुता है से कॉलेज कंपटीशन रे से कविता प्राइज पाई से कहले ये कविता किए लिखी से झील को डाक अच्छा से कहले से झीटा को देखा सी ताक जज करते घर टा सरबेला वुमेन्स कॉलेज आगे तो सीतापे से डाकिले आम प्रिंसिपल खबर दे बीत प्रज्ञा को डाक मुसली से मत देखे मुझे गोटे स्कर्ट पिंधि गोटे नी लेंथ से लोक पिंधे तौक पिंधुले आम टे कंजरवेटिव तो मुझे गोटे नी लेंथ स्कर्ट पिंधि मोर ये छोट छोट चुट्टी आ गए गोटे टकिन करी गोटे शर्ट आउे गोटे सू पिंधि से पिंधती नहीं कानवास सू पिंधि पिंधि गली जा नमस्कार कली से कह बृहत प्रज्ञा को डाक से कहतु सर से मत से देखे देख कहे यही कविता तुम्हें लिखिच दैट वाज ए लव पोएम सी वाज एक्सपेक्टिंग कि गोटे बेणी फेणी करके साड़ी फेड़ी गोटे हीरोइन फिरोइन भाया होता गोटे झील आसब मैंने गोटे से गोटे सिनेमा नायिका टाइप रमती फटो फटो बाहर जमी सब झील देखा जाती सी देखे गोटे ये चुट्टी रखी गोटे स्कर्ट पिंधि नीले गोटे टकिन कर गोटे सू पिंधि आसिकला यहाँ तुम्हें लिखिच तमें ना से पूरा कंपिटन नहीं से बेले तुम्हें लिख मैं टाइमिंग देदे according to the physiology so setabele I was expecting to fall in love and that poem is about that okay it is I was expecting to fall in love mm-hmm. so that was and se seta dekhi bahut aschachile gote chotu chua ette strongly to lekhi paruchi to and bujhi paruchi je she is expecting to fall in love it might be matured person madam जो कथा कहले जो मु जो पचार थी घरे आ के लिखि पर का देखि छ ना घरे समस्त पढंती मोर आई तो पूरा तार माने कोन त को गंगाधर मेहर रु नै कि माधर मानसिंह पंत तार धूप दीप नैवेद्य तार मोहरे थिला आ मो जेजिमा से माने बहुत पढुथिले से माने कि लेखु नथिले बट दे हैड अ बिग रीडिंग हैबिट मो मार थिला बहुत मो मा तो रोसे करे गोटे बही एमती धरथिब धर के एमती रांधे गप बही पढ़ की एमती रांधु थी पढ़ी जाए ताले जुनो पढ़ी थी अपन जानिबे कि मां जी गप पढ़ुते अरे से बही पढ़े आ से सुनिबनी मामा 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 तबर मु सडनली कहे तार अटेंशन मामा मु जाऊ छी तबर सुनिबे कोड़ जाऊ छू ओके मैडम भाई बुणी केते जड़ा पड़ हम दुटा बणी आ बही लिखे मु एक्चुअली कौन करे ना
कम लिखे बर्षरे तीनटा गप लिखी आर दुई वर्ष गोटे नोवेल लिखुची तार कारण प्रथमे तो मझेरे मोर बहुत दिन दस पंदर वर्ष लेखाटा बंद हो गला मो बाहागली आ संसार कला भितर सांसारिक कारण छुआ मानक बड़ करवाटा मोपाई गोटे बहुत इम्पोर्टेंट जिनस बिकज इट इज गोटे बही सेटा मोर प्राइम रेस्पोन्सिबिलिटी एज ए मदर आ बहुत एंजय करे आई एम हापी दैट कि मो छुआ मानक समय दे कारण तुम्हें जिते लेख तुमर जदि अपस्प्रिंग को नहीं कि तुमर सैटिस्फैक्शन नहीं तुमर शांति नहीं क्या बात है खूब सुंदर कथा सदानंद बाबू अच्छा अनुगुल गुड मॉर्निंग सर गुड मॉर्निंग केपी एंड गुड इवनिंग थैंक यू कौन प्रश्न सर हां प्रश्न होची मोर मैडम को प्रथमे नमस्कार जणीबी नमस्कार नमस्कार हां आ गया गुड मॉर्निंग जतीन बाबू मोर जे बंधु मुझे कि जतीन बाबू मोर एटा फर्स्ट बही तो मत कहे समस्त कहे कभर कौन हम मुझे कहते जतीन बाबू को कह जतीन बाबू मोर एटा कभर हम से करते पढ़ी आटा हाथर लेखा मुझे आपण ओडिया लिखिदेवे कड़ापान क्लियोपाट्रा आ गए ड्रईंग करके मत दे सेटा करके से निज हाथ रे लेखिके मते एटा मैडम कवरटा पूरा माने यूनिक केवल रेड रे आई थिंक स्केच के पेन रे बदे खाली ड्राइंग स्केच छै छै केवल स्केच छै छै ग्रेट सो क्लियोपाट्रा इट बसचंदी ओके आउ गोटे बही मते आउ जने आर्टिस्ट ओडिसा रो लब्ध प्रतिष्ठित चित्रशिल्पी प्रफुल्ल सर करथिले हां प्रफुल्ल महंती माया 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 बहुत से सुंदर कवर पेज से माया भितर कौन देखा चाहते बर्तमान में समस्त तो कौटना कौटी माया भितर छंदी भाई मायाटा हूँ मोर गोटे हिस्टोरिकल नोवेल माया 8th सेंचुरी ओडिशा रे तार ऊपर लेखा सेटा होची भुवनेश्वर आमर एक्चुअली सेटा से 64 जोगिनी अछि आज्ञा 64 जोगिनी ऊपर बेस करके मोर से उपन्यासटा सेटा गोटे ऐतिहासिक उपन्यास दैट इज मोर ऑफ पॉलिटिक्स एंड रोमांस सेठी गोटे हिंदू क्वीन गोटे बुद्धिस्ट मंक रो लव अफेयर दे हैवंट मेट ओके शी हैज सीन हिम वंस बट से ताकु देखी नथिले से तरे ध्यान रथिले रानी तांकु देखिथिले किंतु पूरा बहीटा से मानकर भल पाइबार कथा राजनीति आ भल पाइबार कथा ओके सो माया परे आमे कथा बा मुख्यमंत्री विषय रे फिल्म मेकिंग कोन कुआ जाय सिखिबा कथा है मैडम गठ 35 टी फिल्म करी जे के जातीय स्तर रे पुरस्कृत होइछुदी दुदी थरा दुजी पुरस्कार पाइछि एवं वर्ल्ड रो विभिन्न फिल्म फेस्टिवल रो बहुत उडे पुरस्कार पाइबा सहित फिल्म किबळी करा जाय ताकु मध्य सिखाती एवं फिल्म रो 57th नेशनल फिल्म अवार्ड पाइ मध्य से जूरी भाबरे थिले एंड दिस इज सीप पसंद करथिले को सिनेमाटी देखिबा दरकार एभळी दिग्गज मैडम मानको एभळी दिग्गज फिल्म मेकर मानको हम इंडस्ट्री कुआडे रखीछि खोजुनी कोन पाइ हमें गुटे क्वेश्चन मार्क दे आपन सबुट बडो कथा होछि आपन जेतले डांगर कहानी पढिबे सेतले कहानी भितरे बुडी जिवे आपन को लागबो एंडिंग टा बदे एई भळया हि किछि होबो ना त एंडिंग टा आउरी भळया होबो तो बाबन जदि याकु आपन जेतले सिनेमा रो रूप देबे ताहले यंग ऑडियंस कोन आसीबेनी सिनेमा देखिबा पाइ बिल्कुल तबे मैडम मुख्यमंत्री कथा कथि मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री तो प्रत्येक पांच वर्ष बदलु नुआ आस मुख्यमंत्री आपण मुख्यमंत्री कौन थी मोर मुख्यमंत्री गोटे बहुत वेरी शार्प इंटेलिजेंट आ बहुत श्रूड पॉलिटिशियन जी निजर प्रत्येक रिलेशनशिप आ प्रत्येक मुहूर्तटा को निजर स्ट्रेंथ रे बदले कि राजनीति रे व्यवहार कर दे पारे सर राजनीति मैडम मैडम ताले जदि ऑफर मिले इन फ्यूचर रे जीवा पे चाहिबे राजनीति को पॉलिटिक्स रे देखो पॉलिटिक्स को जीवा पई चाहिबाटा आई एम नॉट ए वेरी एक्टिव पॉलिटिशियन बट मोर राजनीतिक बुझामणा भलो बोली मो भाबे मो बुझी पारे जे कोन होउची काहे के होउची केमिति होउची
आउ कारण राजनीति को बुझा गोटे ह्यूमन साइकोलॉजी टा बुझा बहुत जरूरी आउ इतिहास को जानिबा जरूरी ओके निश्चित भाबरे बोधे आपनको बहुत भलो भाबे जानिथिले से पई आपनकर बही गुडी को खूब सुंदर भाबे पाठकंग पाखरे पहुंचे पई चेष्टा करछन्ती बनोज त्रिपाठी महोदय अछन्ती हम सब टेलीफोन रे गुड मॉर्निंग नमस्कार सर बनोज भाई गुड मॉर्निंग नमस्कार आगे कौन प्रश्न मैडम को दुटा केबे पचारी पाना ती सामना सामने आज पचारी परबे अच्छा 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 एमिति गोटे हठात मत प्रश्न पचारि लाइव जान नी मैडम विषय मैंने कौन जानते मुझे जानी मुझे कहीपरि मैडम जड़े जदि ओडिया लिटरेचर रे जदि के ग्लामर भरी था किसी लेखक से त्रिपाठी तेना मुक गोटे प्रश्न पचारि गोटे लेखा लिखला बेले जमी माया उपन्यास मुझे प्रकाश कर मैडम माया उपन्यास मु प्रकाश करी मैडम को प्रश्न करी जे गोटे समय रे से जहाँ लिखे परवर्त समय रे से इतिहास बोली अनेक विश्वास करती आउ विश्वास हो जाए जे से समस्ते माया उपन्यास पढ़ले आप लगे जमी से अंचल गोटे इतिहास लेखाई ना मैडम इतिहास लिखिदे मैडम तीनटा दिग को एका बेले केमिति हैंडल करती आउ देखिए गपरे अच्छी राजनीति देखिए साहित्य गोटे गपरे राजनीति अच्छी गपरे विभिन्न चरित्र मानने गोटे समय गपरे पलि आसती विभिन्न चरित्र मैंने पलि आसती मैडम केमी हैंडल करते से मुख्यमंत्री लिखिपारती गोटे राजनीति को उपन्यास इतनी कि केते बेले केमिति करि परंती मैडम आपण ओके केमिति करि परंती हां थैंक यू मनोज सो नाइस टॉकिंग टू यू इन द स्टूडियो मु एक्चुअली जेते लेखे सेते बेले जीवन रे प्रथम माने रियलिटी सब बेले मोर लेखाटा लॉजिकल आ रियल जीवन ने जेमती घटे कॉमन सेंस रियलिटी आ लॉजिक ए तीनटा हौची जे कोनोसी प्रकार क्रिएटिव जिनिसर एसेंस आपण जदि लॉजिकल हेबे आपण जदि रियल हेबे प्रैक्टिकल हेबे आउ टिके इमेजिनेटिव हेबे आउ कॉमन सेंस बहुत दरकार हुए जे कोनोसी लेखाटा लेखिले मनुष्य जीवन रे कोड थाए आमर जीवन टा राजनीति द्वारा प्रभावित सेटा ऑटो भड़ा हो चाउलर दाम हो जमार दाम हो कि कार रा दाम हो कि रास्तार खालढ़ीप हो कि फ्लाइट टाइमिंग हो सब जिनसा राजनीति बिकज सबुटा गवर्नमेंट गवर्नमेंट डिसाइड करे गवर्नेंस रो इफेक्ट सेटा तेणु राजनीति आपण विश्वास करंतु राजनीति को हुंतु न हुंतु समस्त जीवन रे रोल करे आ भल पाइबा छाड़ी तो जीवन ना एकदम आ रहा कौन राजनीति भल पाइबा आ बंचिबार छोट मोट आधार आपको तो नहीं कि कहानी ये निज जीवन को गोटे कमन सेन्स बैलेंस कले रिजनिंग निज जीवन को कॉमन सेंस रे बांधिबार कथा मैडम कहले एवं उपेंद्र अछन्ते हम सते आठ गोटु से किछि प्रश्न बजारिबे गुड मॉर्निंग वेरी गुड मॉर्निंग आज्ञा कोन प्रश्न मैडम नमस्कार नमस्कार मो तो टिके केपी बाबू डेरी रे देखली शो को जस्ट 5-7 मिनट परे तो मते जानिबा को चाहि जे बियत प्रज्ञा त्रिपाठी मैडम त्रिपाठी कहबे कि ए नार कोन तात्पर्य बा कोन अर्थ रहि क्या बात है द्वितीय कथा मोर प्रश्न रहियो आपन को मैडम आपण बाहर रहंती जहां ओडिया प्रीति प्रेम आपनको एते जे आपण लेखि पाछन से आपनको धन्यवाद शुभेच्छा शुभकामना आपनकर सिनेमा मेकर आपण फिल्म कोन लेखिछन कि स्टोरी आ कोटा आपनको भलो लागिछि उपन्यास सब प्रश्न उत्तर दि कहबे लंबा प्रश्न पचार देले कोन को नारो मीनिंग प्रथम प्रथम से मो नार मो नाटा हो छुटे संस्कृत ना बियतटा बोध हतुरु बियत कहले अनलिमिटेड आज्ञा प्रज्ञा कहले विजडम यानी आ सेटा ठीक आपण प्रूफ भी कर छन सो एटा छ मो नार एटा मो बापा दे छन तेनो एटा तर नार माने यूनिक नेम आपण थैंक यू द्वितीय प्रश्न फिल्म्स
फिल्म मेकिंग केमिति कोन डॉक्यूमेंट्री रे एक्चुअली फिल्म त मु त डॉक्यूमेंट्री और शॉर्ट फिक्शन करे आउ फिल्म मेकिंग रे से पचारले जे आपण निजर सिनेमा रे लेखंती कि नाही स्क्रिप्ट मोर सबु सिनेमा रे सब आपण लिखछंती आपण डायरेक्ट करछंती आपण प्रोड्यूस करछंती सब सिनेमा म प्रोड्यूस करनी मु त प्रोफेशनल फिल्म मेकर सो I get producers, I anybody can hire me. So, but मु सब सिनेमा टा मोर लिखे आउ जो डायरेक्ट जोटा करे सब सिनेमा टा मु निजे लिखे दैट इज हाउ आई अपन कर इत्ते सारा जो कहानी छि ता भीतर के भाब छि ई कहानी टा को मु सिनेमा करबी बोल मोर सब कहानी सिनेमा हे परिबो किंतु मोर कहानी को मु आज जाय सिनेमा एथि पई करिनी कि सेटा बहुत एक्सपेंसिव मो कहानी सब मुश्किल अच्छी कहले कि मनोज त्रिपाठी कहले कि बहुत कानवास तार बड़ कैनवासटा बहुत बढ़ी जाए आटा नेचुरल टू मी मु तो किसी भाविक कहानी तेनाली कैनवास बढ़ीगले खर्च बढ़ी जा I think that later film or producer commercial movie बनेवा पे निश्चय नहीं परिवे ओके निश्चय आप से तो तारा बड़ा अच्छी खोरदार गुड मॉर्निंग हेलो हेलो आगे मैडम कौन प्रश्न धन्यवाद सर थोड़ी मैडम उठाई कथा रहती मैडम नमस्कार नमस्कार और आपन को केबे मु देखिन छी किंतु कथा रे आपन को लेखा दी छी पढ़ छी मते बहुत भल लागिले आउ आके मु आपन को नाम ता सुन के भाबे जे आपन को गिला बोली किंतु देखिकरी नु कै रात्रि भरी एक्सपेक्ट छी जे मु कतो मैडम से देखी सकाले ले मु भाबुतली आपन मते को गिला लालटा बियोस बडी सुन के भाबुतली मु को को पत्ता अच्छा बॉयस केते है को गिला ना जे गिला ना के रही तरंग सुंदर लेखा लेखती मत बहुत भल लगे आपखा मुझे मात्र दुईटी लेखा आपसी पढ़ी आउ बहुत बही भी पाई मुझे मानते आम टे इंटेरियर मुझे कथा टा मगे पढ़े दुईटी लेखा आपची मत बहुत भल लगे आपखा आठ मुझे एक्साइटेड थी मैडम को देखी आ काली ठू आपण जानले कि मैडम बोली नले सार जों बोली काली रात्रि मु देखि के फोटो दे टीवी स्क्रीन में कोई नाइ दियो पिला बजे तो नले मने मने कथा आपण भलो पाई जइदिले मने मने भलो पाई जइदिले ना से पुहोत के जियो तो लेखाटा बहुत भल लगे मैडम को पाई छै जेते बेले कोन पचार दियो लेट मी थैंक यू तरंगवाला मु बहुत बहुत आभारी तुम्हार प्रथम कथा तुम्हें मो गप पढ़ीच आम बहुत खुशी तुम्हें मत मोर जेंडर टा मो झियो की पुओ मो लेखारु जानी पार नो एटाई मोर सफलता आ तुम्हें मत झियो बेले भी भल पाई परबो पुओ हेले भी भल पाई परबो हाउ नाइस हाउ नाइस थैंक यू मैडम को बही आपण किनी परिबे जेंति कि मु गोटे तांकर बही पढ़ी छी सिगरेट ओ सिनेमा एवरी कहानी आपण को मन को छुइबो प्रत्येक कहानी थैंक यू वेरी मच फोन करथले मैडम ए कथाटा हां ए कन्फ्यूजन हुए प्राय पाठक पाठिका आपण को भाबंती आपण लिखिला बेले प्राय मेल जेंडर को पूरा पूरी निजे भितर नै के लिखितन जोंति पे कि आपण पाठक पाठिका भाबी परतनी कि एटा जडे महिला लिखिसेंती बा पुरुष लिखिसें जनरली लेडीज माने कोन टिके लेडीज ओरिएंटेड हे के लिखंती सासुर ससुर कथा लिखितंती या फिर एनी कहानी रे से विमेन ता सेंट्रिक थव दुख पाउथव सुख पाउथव समथिंग बट आपण को कहानी रे सबले मेल प्रोटैगनिस्ट थांती मोर लाइफ रे मेल प्रोटैगनिस्ट भी था फीमेल भी था किंतु केवल फीमेल न था केवल झील न था मो पुरुष मानक नहीं कि प्रोटैगनिस्ट है कि पुरुष पॉइंट ऑफ व्यू रु बहुत लिखे कारण मु विश्वास करे जेकोसी गोटे विश्वास करे मु सेमिति जेकोसी गोटे सेनसीटिव लोक से तार जेंडर न थाए गोटे राइटर जेंडर ना गोटे साइंटिस्टर जेंडर ना गोटे क्रिएटिव लोकर जेंडर न थाए कारण बुद्धि रो जेंडर नहीं इंटेलेक्ट रो जेंडर नहीं
ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ଟା ଗୋଟେ ପୁଅ ଅଲଗା ସଲ୍ଭ କରିବ, ଗୋଟେ ଝିଅ ଅଲଗା ସଲ୍ଭ କରିବ କି? ଗୋଟେ ରିଜନିଙ୍ଗ ଟା ଗୋଟେ ପୁଅ ଆଉ ଝିଅ ଅଲଗା କରିବେ କି? ଜଷ୍ଟିସ୍ ଗୋଟେ ପୁଅ ଆଉ ଝିଅ ଅଲଗା ଦେବେ କି? ତେଣୁ ବୁଝାମଣାଟା ବି ଗୋଟେ ଝିଅ ଆଉ ପୁଅ ଅଲଗା, ତାର ବୁଦ୍ଧିର କ'ଣ ଜେଣ୍ଡର ଅଛି? ତେଣୁ ଆଉ ମୁଁ ପୁରୁଷ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଯେଉଁ ସେନ୍ସିଟିଭ ହେଇକି ମୁଁ ମଣିଷକୁ ନିଜର ଜେଣ୍ଡରର ଉପରକୁ ଯାଇକି ଦେଖେ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ପୁଅମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପରି ଦେଖିପାରେ, ଝିଅକୁ ତାଙ୍କ ପରି ଦେଖିପାରେ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଆପଣ ଛୁଆବେଳେ ଗୁଣ୍ଡୁଚି ମୂଷା ମାରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ସେମିତି ଗୋଟେ ପୁଅ ସାଙ୍ଗ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର, ଯାହା ସହିତ ଆପଣ ମାଙ୍କଡ଼ିଆ ମାରୁଥିଲେ ଗଛରୁ ଗଛ, ସେତେବେଳୁ ପୁଅମାନଙ୍କ ଗହଣରେ ବଢ଼ିବା ସେଇଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ସେଇଠୁ ଆପଣ ଗ୍ରାଫ କରିଛନ୍ତି? ହଁ, ମୋର I was a tomboyish person, I am still I am, କିନ୍ତୁ ମୋର ସାନ ଦିନେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ହେଇଥିଲି ମୋର ଗୋଟେ କୋଲ୍ହ ଛୁଆ ସାଙ୍ଗ ଥିଲା ପୁନିଆ, ତା ସାଙ୍ଗେ ମୁଁ ସିଏ ମୋତେ ଶିଖେଇ ଦେଇଥିଲା ତାଳ ଗଛରେ କେମିତି ସର ମାରିକି ଗୁଣ୍ଡୁଚି ମୂଷା ମାରିବ, ଆଉ ସେ ଯେଉଁ ଗୁଲା ମୋ ମାମୁଁ ଘର ପାଖରେ, ତା ମାନେ ମୋର ନିଜ ଗାଁ, ଏଇଟା ମୋ ମାମୁଁ ଘର ପାଖେ ତାଙ୍କ ଘର, ତ ସେଇଟା ସୋର ପାଖରେ ଗୋଟେ ଗାଁ, ତା ନାଁ ମଧୁସୂଦନପୁର ବୋଲି, ତ ସେଇଟା ମଧୁ କହୁ ଆମେ, ଆଉ ସେଇଠି ଗୋଟେ ସେଠି ଗୋଟେ ସବୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ତାଳ ଗଛ, ସେ ଗୁଣ୍ଡୁଚି ମୂଷା ଉପରେ ଚଢ଼ିଯାଏ, ସେ କୋଲ୍ହ ଛୁଆ, ମୁଁ ତା ସହିତ ଦୌଡ଼ିବି, ସିଏ ବି ମୋତେ ବର୍ଷା ଧରିକି ପାଣିରେ ମାଛ ମାରିବା ଶିଖେଇ ଦେଇଥିଲା। ହଁ, ମାନେ ନଈରେ ବହୁତ ମାଛ ଗଲାବେଳେ ସିଏ ଗୋଟେ ଏମିତି ପତଳା ବର୍ଷା ରଖିଥିବ, ସେଟା ମାରିକି ମାଛ ଧରେ, ମୋତେ ଶିଖେଇ ଦେଇଥିଲା। ଆଉ ଶିଖେଇ ଦେଇଥିଲା କେମିତି ଗୁଲର ମାରିକି, ମାନେ ଆମେ ଜାଣିବା କି ଖାଲି ଘୁରନ୍ତା ମାଛରେ ଅର୍ଜୁନ ଖାଲି ତୀର ମାରି ପାରୁନଥିଲେ, ମ୍ୟାଡମ୍ ବି ମାରି ପାରୁଥିଲେ। ସେ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଟିକେ ହେଲା ପରେ ଗୋଟେ, ସେ ଦଶଟା ମାଛ ଧରିବ ପୁନିଆ, ଆଉ ମୁଁ ଗୋଟେ। ଆଚ୍ଛା, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସାଇକେଲ ଚଲେଇବା ଇଏ ସିଏ ଏଗୁଡ଼ା ବାପା ଶିଖେଇ ଦେଇଥିଲେ ନା? ଏଗୁଡ଼ା ବି ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ନିଜେ, ମୋତେ କେହି କିଛି ଶିଖେଇବା ଦରକାର ନାହିଁ। ମୁଁ ମୋର ପହଲା ଶିଖିବା, ମୁଁ ଗୋଟେ କାହାଣୀ କହିବି, ସେଟା ହଉଛି ମୁଁ ସାନ ଦିନେ, ମୁଁ ବହୁତ ଦୁଷ୍ଟ, ମାନେ ଚଞ୍ଚଳ ଚଞ୍ଚଳ ଥିଲେ, ବଡ଼ ଝିଅ ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତ ପୁରା, ମୋ ସାନ ସମସ୍ତେ ସବୁବେଳେ କହିବେ ଯେ ମୋ ଜେଜେମା ଫେଜେମା କହିବେ ଯେ ଗଛରୁ କେତେବେଳେ ଖସି ପଡ଼ିବ, ଅଣ୍ଟା ଫଣ୍ଟା ଭାଙ୍ଗିଯିବ, ଏହା ବାହାଘର ହେଇପାରିବନି, ଏଇଟା ସିମ୍ପଲ। ଆଉ ମୋ ମା ଜେଜେମା ଯେତେ ନ କୁହନ୍ତୁ, ଆମ ସାହି ପଡ଼ିଶା ବହୁତ କହିବେ, ମୁଁ ତା ଗାଁକୁ ଯାଇ ଛୁଟିରେ ସେମାନେ କିଛି କୁହନ୍ତିନି ଯାତେ। ଆଉ ତାପରେ ଥରେ ମୋ ମା, ମୁଁ ଏଇ କଥାଟା କହିକି ରଖେ ଯେ ମୋତେ କିଏ କ'ଣ ଶିଖାଉଥିଲା, ମୋ ମା ମୋତେ ଯେତେବେଳେ 6 ବର୍ଷ, ଆମେ ସବୁ ଛୁଟି ହେଲେ ଗାଁକୁ ଯାଉ, ବାପା ତ ଚାକିରି କରୁଥିଲେ ଏଠି କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପୁରୀ, ତ ମୁଁ ଗାଁରେ ଥରେ ଦ୍ୱିପହର ହେଲା ମାନେ ମା ଶୋଇପଡ଼ିବ ଖରାଦିନ, ଦ୍ୱିପହର କବାଟ ଖୋଲିକି ଯାଅ ବୁଲ, ତ ଥରେ ମାମା ନା ବହୁତ ବହୁତ ସାରା ମୁଁ ଯାଇଛି ଯେ ଯାଇଛି 4-5 ବାଜିଲାଣି, ଡାକୁଛି ଖାଲି, ମୋ ଡାକଟା ମିନି ମିନି ଚାରିଆଡ଼େ ମିନିକା ମିନିକା, ହଠାତ୍ ଦେଖିଲା ଯେ ମାନେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଏତେ ଖୋଜିଲାଣି ମାନେ ପିଟି ପକାଇବ, ତେଣୁ ମୁଁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ମୋତେ ଦେଖି ନେଇକି ଦୌଡ଼ିକି ଆସିଲା। ମାଇ ମଦର୍ ଇଜ୍ ଭେରି ସ୍ୱିଫ୍ଟ, ବହୁତ ସ୍ମାର୍ଟ, ସେ ଲୋକ ସୁନ୍ଦର, ବହୁତ ସ୍ମାର୍ଟ ସ୍ୱିଫ୍ଟ, ମୋର ଆଜି ବି ମୋତେ ଦେଖାଯାଉଛି, ମାମା ମୋତେ ଦେଖିନେଲା ବାଡ଼ିପଟରୁ ଦୌଡ଼ିଲା, ମୁଁ ଦେଖିଲି ଆଜି ଧରିକି ଦବ ଧରିକି ପୁରା ଆଜି ନିସ୍ତାର ନାହିଁ। ମୁଁ କ'ଣ କହିଲି, ଦୌଡ଼ିକି ଯାଇକି ସେଠି ଆମ ପଡ଼ିଶା ଘରର ପୋଖରୀ ଭିତରୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଲି, ସେ କହିଲା ରେ ମିନି ମରିଗଲା, ମୋର ମୋତେ ହେଉଛି 6.5 ବର୍ଷ, ମରିଯିବ ମରିଯିବ, କିନ୍ତୁ ସେ ଦେଖିଲା ମୁଁ ପହଁରୁଛି, କହିଲା ତୁ କେଉଁଠୁ ଶିଖିଲୁ ପହଁରା? ମୁଁ ସେ ଭିତରେ କ'ଣ ଯେତେବେଳେ ମୋତେ ସେ ଘରେ ଗାଧୋଇ ଦିଏ, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ମୁଁ ଯାଇକି ପୋଖରୀରେ ଯାଇକି ଜାମାଟା କାଢ଼ିକି ରଖିକି ସେ ଯେଉଁ ସେମି ଯାଉ ପିନ୍ଧିକି ସେଇଟା ପହଁରି ଦେଇକି ତା ସେମି ଯାଉ ଚୁପୁଡ଼ିକି ତାକୁ ତା ଉପରେ ଖାଲି ଫ୍ରକ୍ଟା ପିନ୍ଧି ସେମି କାଢ଼ି ଦେଇକି ତାକୁ ଶୁଖେଇ ଦେଇକି ଆମର ଯିଏ ସବୁ ବୁଝାବୁଝି କରେ ତାଙ୍କ ଘରେ ସେ ଗୋଆ ଏକା ଘରେ ଶୁଖେଇ ଦେଇ ଚାଲି ଆସିବି। ପଲିଟିସିଆନ କିଛି ହବାର କଥା ନୁହେଁ, ରାଜନୀତିଟା କ'ଣ କେହି ହବାକୁ ଚାହେଁ,
गोटे नेता लोक लोक गोटे लोक को नेता करती कहीं निजे निज को नेता तेणु मोर से किसी हबार इच्छा ना कारण निजे निजक कहीं नेता मैडम बहुत गुड डक ड्रामा कर डकुमेंट्री मुवीज कर नेशनल फिल्म अवार्ड में जज भाव में थे जूरी भाव में थे फिल्म मेकिंग स्टाइल बदली आपत फिल्म आरंभ कले फिल्म एनीबडी कैन फिल्म मेकर्स राइट नाउ बट आप एजुकेशन नहीं पाठ पढ़ी पुणे फिल्म इंस्टीट्यूट रु गोटे कोर्स करते केते दरकार पडुचे फिल्म मेकिंग सिखिबा ओ फिल्म फिल्म तयारी करबा बटन सोशल मीडिया रे बहुत लोग अवेयर हलेनी कि के भी एक्टर हे जाउ छी के भी प्रोड्यूसर हे जाउ छी के भी डायरेक्टर हे जाउ छी के भी कैमरा पर्सन हे जाउ छी ए क्षेत्र रे लोग फिल्म देखियो को केमथि छबे सेठी प्रश्न उठछि अभिज्ञ लोग माने कोआडे गले एक्चुअली एटा गुटे बहुत भलो जिंस देख जत्ते लोग गुटे जिंस रे इन्वॉल्व हबो हेबे सेथरे क्वालिटी कमीबो भी किंतु सेथरे क्वालिटी बढ़िबो कारण से बहुत लोग एक्सपेरिमेंट करेंगे बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट कले बहुत अलग और भल जिन आग को आसो जे जो आम गोटे मेथडिकली जहाँ करें सत्यजित राय सिनेमा करुले बहुत बड़ा फिल्म मेकर से विभिन्न प्रकार जिनस को नहीं करुले तापर धीरे धीरे अलग लोक मैंने करुच्चे आजिकल आमर तो भारत बर्ष बहुत बड़ बड़ फिल्म भल बहुत एक्सपेरिमेंटल सिनेमा हूँ बहुत केवल हिंदी देखिले कि बर्तमान में लो बजट मूवी जितकी बढ़िया कहानी और कॉन्सेप्ट नहीं आसुनी हम ओडिया सिनेमा सीते की चिंता ही करू ना हां हमें चिराचरित साउथ मूवी रे भी कॉपी हो छी हम भी सिमति करबा उचित मु भाबु छी ए जो जनरेशन ए जो नुआ समय से निश्चय करैबो कारण बधे हमें टिके स्लो मूवमेंट तो निश्चय हम निश्चय मु तो सब होपफुल कि ओडिया सिनेमा रे निश्चय हम ये मूवमेंटा निश्चय बंगाली सिनेमा इना बहुत ही सुंदर सिनेमा सब हूँ बंगाली रे ब्यूटीफुल फिल्म्स आ बहुत छोट छोट जिन भेरी अफ बीट कहानी नहीं कि आम भी हम बोधे आम तो सब स्लो ना आपण जेते गुडा मूवी करछथि ओडिको फिल्म फेस्टिवल रे सब प्रदर्शित होई छि जोंके आमे देखि पारिनो आम मानको भली साधारण दर्शकक पई जेंति शुभश्री भी प्रश्न करथिले सो ए साधारण दर्शकक पई किछ फिल्म तयारी करिवार आगामी दिन रे योजना रखिछथि कि सब फिल्म पर साधारण दर्शकक पई किंतु सेटा डॉक्यूमेंट्री थिला शॉर्ट फिक्शन थिला इंग्रजी रे अछि आ ओडिसा रे आ ए सब पई तो प्लेटफार्म न थाय फीचर फिल्म पई प्लेटफार्म थाय एक्जेक्टली मु आज जे फीचर फिल्म करिनि मु इच्छा रखे ओडिया रे सिनेमा करिया पई डेफिनेटली कारण मोर ओडिया मोर निजर भाषा आ मु एगुडा कथा कहि रखे मु पृथ्वीर जिते सिनेमा देखे मुझे सिनेमा पढ़ाए जिते सिनेमा को बुझे किंतु आज भी मोर फेवरेट हीरोटा ओडिया सिनेमा रो श्रीराम पंडा बाबा क्या बात है से आज भी अनेक लोगों को कारण मु इनफैचुएटेड मु छोट दिने सिनेमा प्रथमे देखिबा आरंभ करथिली श्रीराम पंडा हीरो हेतला सो मोर एंड ही इज अ गुड एक्टर तर गुटे लार्जर देन लाइफ इमेज से गुटे प्रेजेंस थिला गुटे स्मार्टनेस थिला गुटे शार्प लोको सो सेतपई ओडिया सिनेमाटा सब बेले मोर कोर हार्ट रे मैडम बहुत गुड सिनेमा आपण कर बहुत प्रशंसित होई छी जेजेमा हो बा आपण को और अच्छी वाइंड ऑफ लद्दाख रन फर्दर हो कि लद्दाख हो कॉफी हाउस तो यूट्यूब रे मध्ये अछि सो ई जेते बेले बाहर आपण को मूवी गुडी को देखथि से ठीक दर्शक को एप्रिसिएशन केमथि थाय कोन सब बहुत बढ़िया था मोर मु तो गोटे रेगुलर फिल्म मेकर नुहे मुझे तो फिल्म मेकिंग शिखी गोटे छोटिया एप्रिसीएसन कोर्स कर सिनेमा तो शिखिनी तो मु सिनेमा रे प्रथम जितेबले मोर फिल्म गोटे गला मोर सेकंड फिल्मटा फर्स्ट फिल्म जेजेमाटा जितेबले विदेश रे देखाला सेतेबले से माने मते डाकी नथिले जो माने से जो जिबा आसीबा फेयर दबा को पड़े रहिबा को पड़े आ तुमे यूरोप रे देखाले बहुत टका से माने सिनेमाटा देखेले आ मते पठेथिले इट इज अ वेरी नाइस क्रिटिकल एप्रिसिएशन तापर ए जो खमजा मेदाटा मोर नेपाल फिल्म फेस्टिवल गोटे हला काठमांडू रे से माने कहले आसंतु आपण से सिनेमाटा सिलेक्ट करी म गली सेटा तले गली से बहुत माने दैट वाज नेपाल इज लाइक हेवन इन लाइक अस पीपल आर कि बहुत विदेशी लोक थे से सिनेमाटा बहुत प्रशंसित है मतलब भल लगे आ सब बहुत नेक्स्ट सिनेमाटा मोर से इयर रे
लदाख द लैंड ऑफ मिस्ट्रीटा आमस्टरडाम गला से आमस्टरडाम रे फेस्टिवल रे से सिनेमाटा अतरा देखेले मु देखली से सिनेमाटा रे पूरा हॉल टा गुटे विराट हॉल सेटा फुल आ लोक सब बसचंती तळे ग्राउंड तळे आ सब पैसा दे किनचंती टिकट से सिनेमाटा रे टिकट पैसा दे कि किनिले आ सेटा देखले आ सेते बेले मोर तो किछि बहुत एक्सपोजर नाही एते बेसी बड़ बड़ फिल्म फेस्टिवल को तो से माने कहले जे ए फिल्म मेकर अछंती आ मु गली मु एमती गुटे साड़ी पिनता से मु से मन को नमस्कार करे आ कहले जे यू वॉच माय फिल्म एंड देन आई विल नॉट स्पीक एनीथिंग सेमन देखले देखला परे एवरीबडी स्टूड अप दे वांटेड मी इन फ्रंट ऑफ दे गेव मी अ बिग स्टैंडिंग ओवेशन आउ तापरे सेमाने डिमांड करले जे ए सिनेमाटा आउ थरे पुनी री टेलीकास्ट हो री अब शो हो री शो हो से माने कारण बहुत लोग आपको देखा चाहिए सो से सिनेमाटा आउ थरे री शो हला और से सिनेमारो पैसा पाइथले सेमान मते 450 यूरोस देथिले क्या बात है क्या बात है ये होचंति सही फिल्म मेकर जहाँ को वर्ल्ड प्रशंसा करुची आमे खोजुना काई कि ना कहानी जत्ते जूठी भी हो जत्ते चाको चक्के भीतर कहानी होचे एक्चुअल मेन हीरो आपन दिल को आपन हृदय को जदी छुई जबो ना ताले से सब दिन पई मने रहबो ये जो आपन फैशन भी किसी दिन पढ़े छथि पिलावन फैशन पढ़े नी फैशन जर्नलिज्म पढ़ाए फैशन व्हाट इज दैट फैशन जर्नलिज्म पुनी को फैशन जर्नलिज्म यू राइट अबाउट फैशन हाउ पीपल बिहेव हाउ पीपल वेयर व्हाट इज द ट्रेंड हाउ ट्रेंड हैज टू बी ड्रेस्ड हाउ ड्रेस आई मीन द हिस्ट्री ऑफ फैशन द फैशन टा एक्चुअली केमती आसे कौन हुए फैशन केमती चेंज होपर लिखा हूँ फैशन जर्नलिज्म तेणु से आप फैशन टाक बुझा पड़ो कौन ट्रेंड अच्छे फैशन डजंट मेक आई मीन योर ड्रेस डजंट मेक यू फैशनेबल तुम माइंड तुमको फैशनेबल करे तुम एटीट्यूड तुमको फैशनेबल करे इफ यू आर मॉडर्न इफ यू आर फैशनेबल विथ योर माइंड देन योर बॉडी स्पीक्स इट ओके मैडम देवाशीष देवदास छोटराय गोटे लेखा लिखी थे जहाँ को आप फिल्म मेकिंग कर हाँ से कॉफी हाउस देवदास छोटराय गोटे स्टोरी अच्छी तीनोटी कॉफी हाउस से एब्स्ट्रैक्ट बहुत सुंदर स्टोरी तंकर लाल माछ बहिरो प्रथम गप सेटा को मु फिल्म करिछि तार स्क्रिप्ट लेखिके तार डायलॉग्स भी लेखिछि मु आ सेटा को मु फिल्म करिछि आ सेटा बहुत एप्रिशिएटेड सिनेमा बिकॉज सेटा उटे इट इज अ लव स्टोरी एग्जैक्टली इट इज अ लव स्टोरी इट इज थ्री लव स्टोरीज ब्रोकन तो सेटा गोटे लव स्टोरी अच्छी दुई घंटार कथा आठटा रु दसटा भितर गोटे पिला कटक गोटे कॉफी हाउस गोटे कॉफी हाउस जाऊँच आ गोटे जाऊँच आ गए जा कॉफी कपे पीवा कोई पाऊनी आ कौन हटुची दैट इज दि फिल्म मैडम ताको से तो गोटे भल बंधुत्व हाँ सी बापा हूँ मोर बापा गोपाल छोटराय होचंती मोर मुतांको बापा डाके आउ मु तांको झियो बोली से कहंती मु भी कहे मोर जहाँ जदि फिल्म मेकिंग मु करूथिबि ही इज द इंस्पिरेशन बिहाइंड दैट सो सेथिपाई से मोर परिवार लोक तेनु गोपाल छोटराय होचंती मु तांको बापा कहे आ मोर गोटे ओडिया फिल्म अछि सेटा होचि पथिक सेटा गोपाल छोटरायंकर उपरे डॉक्यूमेंट्री सेटा इंग्राजी रे भी करिछि मु ओडिया रे किंतु आर ओडिया रे मु गोटे फिल्म करिछि ताना पथिक डॉक्यूमेंट्री गोटे आ सेटा होचि गोपाल छोटरायंकर मैडम आपनकर एक्टिंग करिवार भी शौक अछि आपन किछि थिएटर्स भी करछि मु श्री राधा करथले हां तो से एक्टिंग किंतु सब सिनेमा रे कोन नहि कर ना एक्चुअली मु एक्टिंग करिया को भल पाए गोटे भल मीनिंगफुल रोल हेले मु श्रीराधाटा हूँ रमाकांत रथंकर जो कविता एपिक पोएम एते बड़ कविता बही सेटा को मु एडिट करके गोटे गोटे घंटा 55 मिनिट्स रो मु मोनो एक्ट ताको करे से कविताटा मु कहे राधा है कि बट भल लागे मते मु भल पाए एक्टिंग किंतु मते रोल भल लागले मु भल पाए केबे कोन से निज कहानी डिमांड कर छी कि ना एटा मु ही कले मु ताको जस्टिस दे पारिबी मु एथरे ही करबा दरकार मु तो 35 गोटी सिनेमा भीतर ना 35 टा रो डॉक्यूमेंट्री तो मोस्टली
ତେଣୁ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟାରୀରେ ତ ତୁମେ ରିଏଲ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଉପରେ କରୁଛ କରୁଛ, ଆଉ ମୋର ଯେଉଁ ଗୁଡ଼ାକ ଫିଲ୍ମ ଅଛି ସେଥିରେ ୱିଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଡିଜାୟାର ବୋଲି ମୋର ଗୋଟେ ସିନେମା ଅଛି, ସେ ସିନେମାଟାରେ ମୁଁ ନିଜେ ଆକ୍ଟ କରିଛି। ସିନେମା ଡଜନ୍ଟ ହାଭ୍ ଏନି ଡାଇଲଗ୍ସ, ସେଇଟା ଗୋଟେ 8 ମିନିଟ୍ର ସର୍ଟ ଫିକ୍ସନ, ଆଉ ସେଇ ସିନେମା ସ୍ପିକ୍ସ ଆବାଉଟ୍ ଦି ବ୍ଲିସ୍, ଦି ରୋମାନ୍ସ ଅଫ୍ ସୁଖର ଖୋଜରେ ଗୋଟେ ଲୋକ ଯାଉଛି। ବ୍ଲିସ୍, ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ବ୍ଲିସ୍ ଲାଇଫ୍ରେ, ବ୍ଲିସ୍ଟା କ'ଣ, ଅଲ୍ଟିମେଟ୍ ବ୍ଲିସ୍ଟା କ'ଣ, ଦାଟ୍ ଇଜ୍ ଦି ମୁଭି। ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମ ମଣିପୁର କକ୍ଟେଲ୍, ସୋ କକ୍ଟେଲ୍ କଥା ଉଠିଲେ ଯେଉଁଠି ଗୋଟେ ଅଲ୍ଟ୍ରା ମଡର୍ଣ୍ଣିଟି କଥା ଉଠେ, ସେଇଭଳି ସିନେମାଟିକୁ ତାକୁ ଆପଣ ଶୋ କରିଛନ୍ତି କି? ବିକଜ୍ ୱାର୍ଲଡ କ୍ଲାସ୍ର ପିପୁଲ୍ସ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଟିକେ ମଡର୍ଣ୍ଣ ଡ୍ରାମା, ମଡର୍ଣ୍ଣ କଥାଟି ଭରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ସିନେମାରେ? ନା, ମଣିପୁର କକ୍ଟେଲ୍ ଇଜ୍ ଦି ନେମ୍, ବିକଜ୍ କକ୍ଟେଲ୍ ହେଉଛି ଦୁଇଟା ଡ୍ରିଙ୍କ୍ର ମିକ୍ସ, ସୋ ସେଠି ଦୁଇଟା ଆଲକୋହଲ ଆଲକୋହଲ କକ୍ଟେଲ୍ ତ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ଆଲକୋହଲକୁ କୁହାଯାଏ, କାରଣ ଆଉ ମକ୍ଟେଲ୍ କୁହନ୍ତି ଯେଉଁଟା ନନ୍ ଆଲକୋହଲ ହିସାବରେ। ଆଲକୋହଲ ମିନ୍ସ ଇଣ୍ଟକ୍ସିକେସନ, ଆଲକୋହଲ ମିନ୍ସ ଫର୍ ମି ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ କକ୍ଟେଲ୍ କହିଲେ ଟୁ ଇଣ୍ଟକ୍ସିକେଟେଡ୍ ଡ୍ରିଙ୍କ୍ସ ହୁମ୍ ୟୁ ୱିଲ୍ ବି ଆଡିକ୍ଟେଡ୍ ଇଣ୍ଟକ୍ସିକେସନ। ସୋ ଏଇ ଯେଉଁ କକ୍ଟେଲ୍ ଅଛି ଏଇଟା ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଇଣ୍ଟକ୍ସିକେସନ ଏଇ ସିନେମାଟା, ମାନେ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମଣିପୁରର ଦୁଇଟା ସଭ୍ୟତା ଅଛି, ସେଠି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କ ବହୁତ ପାୱାରଫୁଲ୍, ଦେ ଆର୍ ଭେରି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଓମେନ୍, ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଇମା ମାର୍କେଟ୍ ଅଛି, ସେଇ ମାର୍କେଟ୍ଟା ହେଉଛି ଖାଲି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ଚଲାନ୍ତି, ସେଠି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଭେଣ୍ଡର୍ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ବାୟର୍ସ, ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍। ଆଣ୍ଡ ଦେନ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ସେଠି ଅଛି ତାର କଣ୍ଟ୍ରାଡିକ୍ସନ୍, ଏଇଟା କକ୍ଟେଲ୍, ସେଠି ପୁରୁଷ ମେନ୍ ରିକ୍ସା ପୁଲର୍ସ ସବୁମାନେ ଭେଲ୍ଡ, ସମସ୍ତେ ମୁହଁଟାକୁ ଲୁଚେଇକି ରିକ୍ସା ପୁଲ୍ କରନ୍ତି, ସେମାନେ କାହିଁକି କରନ୍ତି, କାରଣ ସେଠି ବହୁତ ଏଜୁକେଟେଡ୍ ଲୋକଗୁଡ଼ାକ ବି ରିକ୍ସା ଟାଣନ୍ତି, ଯାହାକୁ ଘର ତା ସ୍ତ୍ରୀକୁ ବି ସେ ବସେଇକି ନେଇକି ଯାଉଥିବ, ସେମାନେ ଜାଣିପାରନ୍ତିନି ଏଇଟା ତାଙ୍କ ଘର ଲୋକ, ତ ସେମାନେ ଏଇ ପ୍ରଫେସନ୍ଟାକୁ ଯେଉଁ ଡିଗ୍ନିଟି ଅଫ୍ ଲେବର୍ଟାକୁ ତା ଟିକେ ମୁସ୍କିଲ ହୋଇଯାଇଛି ସେଠି, ଆଉ ଅନ୍ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ, ଇନ୍ସର୍ଜେନ୍ସି ଏଇସବୁ ମିଶିକି ସେଇ ସବୁରେ, ଏଇନା ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଆଟ୍ ଦିସ୍ ପଏଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଟାଇମ୍ ଆଇ ଥିଙ୍କ୍ ମଣିପୁର ଇଜ୍ ଏ ଲିଟିଲ୍ ବେଟର୍, ମଚ୍ ବେଟର୍, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ସିନେମାଟା କରିଥିଲି ସେତେବେଳେ ସେଇଟା ଇନ୍ସର୍ଜେନ୍ସି ବହୁତ ଥିଲା, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ସେଠି ଜବ୍ର ଅସୁବିଧା ଥିଲା, ଆଉ ତାପରେ ସେ ଗୋଟେ ୱେଲ୍ଡ ଫିଲ୍ମ ରିକ୍ସା ପୁଲିସ, ସେ ଦୁଇଟା ଏତେ ଫ୍ରି ଓମେନ୍ ଆଉ ଏମିତି ବୁର୍ଖା ଏମିତି ପରଦା ଭିତରେ ଥିବା ପୁରୁଷ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଆପଣ ଦୁଇଟି ଝିଅ, ଆଜ୍ଞା, ସେମାନେ କେହି ଫିଲ୍ମ ମେକିଂ ବା ଲେଖିବା ଏସବୁ ଅଛି ତାଙ୍କ ଭିତରେ? ନା, ସେମାନଙ୍କର ଏ ଯାଏଁ ତ ମୁଁ ଜାଣିଛି ସେମାନେ ଲେଖନ୍ତି, ଦେ ହାଭ୍ ଏ ଭେରି ଫ୍ଲୋଇଂ ପେନ୍, ସେମାନେ ଲେଖିପାରନ୍ତି ଭଲ, କିନ୍ତୁ ଏ ଗପ କାହାଣୀ କେହି ଲେଖୁନାହାନ୍ତି, ଆଉ ଫିଲ୍ମ ଦେ ହାଭ୍ ଦେୟାର ଓନ୍ ଲାଇଫ୍। ଆପଣ ରାଗନ୍ତି? ହଁ, ବହୁତ ରାଗେ, କେତେବେଳେ ସେ ରାଗଟା ବାହାରେ ଲେଖାରେ ବାହାରେ ନା କୌଣସି ପଢନ୍ତି ମୋ ଲେଖା, ଆଉ ସିଏ ସତରେ ତାଙ୍କୁ ସବୁ ଭଲ ଲାଗେ କି ସେ ମୋତେ କହିଦିଅନ୍ତି ମତେ ଭଲ ଲାଗୁଥିବ, କାରଣ ବହୁତ ଲୋକ ତଳକୁ ମୁହଁ କରି ଦେଖୁଥିବ, ତୁମେ କହିବ ମୁଁ ଠିକ ଦେଖା ହଉଛି କି? ହଁ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଭେରି ମଚ୍ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଆପଣ ଆସିଲେ, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ କାହାଣୀ କହିଲେ, ଆପଣଙ୍କ ଫିଲ୍ମ ବିଷୟରେ, ଗଳ୍ପ ବିଷୟରେ, ଏଇସବୁ କଥା କହିଲେ, ଏବଂ ସାର୍ଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିଲେ, ଏବଂ ଆପଣ ହସିଲେ, ଟିକେ ରୋମାଞ୍ଚିତ ହେଲେ, ଆମ ସହିତ କିଛି ସମୟ ଦେଇଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ସୋ ଦୋସ୍ତ, ଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଜିର ଏପିସୋଡ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ଭଲ ଲାଗିଥିବ, ଏମିତି କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଆପଣ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ମୋତେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ କରିପାରିବେ। ବିଲକୁଲ, ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ପଢ଼ିବା ଓ ଲେଖିବାର ଗୋଟେ ଅଭ୍ୟାସ ଆପଣ ଜାରି ରଖନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର କାହାଣୀଟି ବି ଆପେ ଆପେ ସୁନ୍ଦର ହୋଇଯିବ। ଫିଲ୍ମ ମେକର୍ସ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ଙ୍କୁ ଖୋଜି ଆମେ ପାଇଗଲୁଣି, ଆପଣ ବି ଖୋଜି ପାଇପାରିବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଭେରି ମଚ୍, ବାଏ ବାଏ।